कर्तव्य और अनुशासन से अगर कोई कार्य किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं शिक्षा के ऐसे मंदिर में जहां शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी नए नए आयाम जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। हम मौजूद हैं अनूपगढ़ तहसील क्षेत्र के गांव 6H श्री एलडी पब्लिक स्कूल और मौजूद है हमारे साथ इस विद्यालय के संचालक कर्णधार नरेंद्र पाल जी। नरेंद्र पाल जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। भी बहुत बहुत स्वागत प्रकाश जी, आप बता रहे हैं यहाँ पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी, शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जिसको जितना ज्यादा खर्च किया जाए वो उतना अधिक बढ़ता है। इस बार परिणामों की अगर बात की जाए विद्यालय की तो क्या है? बहुत अच्छा परिणाम, पूरे स्टाफ ने मेहनत करवाई है, बच्चों ने भी कड़ी मेहनत की है, उसका हमें रिजल्ट मिला है। अच्छा परिणाम रहा है, 100% रहा परिणाम रहा दसवीं क्लास का, और कड़ी मेहनत के बावजूद बच्चों ने अच्छी मेहनत करके टॉपर है, जो हमारा 90% है, जो प्लस किया है 90, और जिसमें से 14 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा आपका, 90% जो है वो टॉप क्लास और तमाम बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन जो है वो पास किया। बच्चों बात की जाए विद्यालय की, श्री एलडी पब्लिक स्कूल स्थापना कब हुई, कितने बच्चों से शुरुआत है वो की? 2009 से स्थापना की हमने स्कूल को, कोई भी वाहन नहीं लगाया हमने, बच्चे सेल्फ आते हैं। और जब शुरुआत की मैंने तो 30 बच्चों से शुरुआत की है, आज 250 बच्चे हैं स्कूल में। शुरुआत के तौर पर किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा? मेहनत करवाई है सर, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई, बच्चों ने भी अच्छा साथ दिया, अभिभावकों ने अच्छा साथ दिया, स्टाफ भी हमें अच्छा मिला है, जो कड़ी मेहनत करवाते हैं लगातार स्कूल से जुड़े हुए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि सबसे बड़ी फेथफुल जो बात होती है वो आपने कही है कि जो टीम है वो बड़ी अनुशासन रूपी है और हमेशा ईमानदारी से कार्य करती है। बात की जाए, ये तो शिक्षा की बात हुई, खेलकूद की बात की जाए तो खेलकूद में क्या नए नए जो आयाम है वो स्थापित किए आपने? बच्चों को खेलकूद में पिछली बार शाम की में टूर्नामेंट में हमारे बच्चे ने बॉक्सिंग में, कुश्ती में यहाँ से टॉप किया, और अपने बाहर खेल के आया, वो जैसर खेल के आया, अकेडमी खेल के आया बच्चा, कड़ी मेहनत की है, बच्चों की एक्टिविटी अच्छी है, खेलने में अच्छा ध्यान देते हैं, बढ़िया है, जो हम जैसे मेहनत करवाते हैं बच्चे उसका फल मिलता है। बिल्कुल है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जैसा हम कार्य करेंगे उसकी सफलता अवश्य हमें मिलेगी। सर बात की जाए, क्योंकि ये खेल की बात हो गई है, शिक्षा की बात हो गई है, बात की जाए मार्गदर्शन की, क्योंकि कई बच्चे होते हैं, क्योंकि आपका स्कूल जो है 10वीं तक का है, अगर 12वीं के बच्चे हैं वो आपके पास मार्गदर्शन के लिए पहुंचते हैं, या 12वीं के बच्चे इस प्रकार के जो इस इलाके में तो हैं और आप उनको मार्गदर्शन देते हैं और उसमें उन्होंने अच्छा रैंक जो है वो हासिल किया है, कुछ इस प्रकार की सफलता? हाँ जी, 12वीं के बच्चे हमारे से 10वीं पास करके, कई बच्चे होते हैं जो 12वीं पढ़ सकते हमारे से मार्गदर्शन लेते हैं, और हम उनको मेहनत भी करवाते हैं, उसका परिणाम भी अच्छा मिला है, एक बच्चे उसने 87% प्राप्त किया है। बिल्कुल है, अगर मार्गदर्शन की भूमिका की जाए तो नरेंद्र पाल जी जो विद्यालय के संचालक हैं वो मार्गदर्शन भी करते हैं ताकि बच्चा जो है किस फैसिलिटी में जाए, किस क्वालिटी में जाए, इस प्रकार की जो गाइडलाइन है वो भी इनके द्वारा दी जाती है। सर स्कूल ओपन हो चुके हैं, अगर बात की जाए ओपन स्कूल की तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, किस प्रकार की फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध की गई है? हमारे पास नर्सरी से लेकर जितनी क्लास है सभी को बच्चे के लिए अच्छे फर्नीचर की व्यवस्था कर रखी है हमने, पंखों की अच्छी हवा की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था है, बच्चों को समय समय पर, जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग से टिफिन पेश करना है, जो भी उनके लिए अपने उनको रख रखा है, जो बच्चों की सहायता के लिए, छोटे बच्चों किसी बात की कोई परेशानी ना है। सर टीम की अगर बात की जाए, जिस टीम के आप संचालक हो उस टीम की अगर बात की जाए वो कितनी एजुकेटेड है? हमारे पास अच्छे हैं, रेगुलर स्कूल से 14 साल लगभग दो स्टाफ ऐसा है जो ओपनिंग से लेकर आज तक भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और लगभग स्टाफ है जो मेरा साइंस का BSc BEd है, MA BEd है, जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चे, ग्रेजुएट का BEd है, MA BEd है। सर बात की जाए, 15 अगस्त का पर्व नजदीक आ चुका है, तमाम इलाका वासियों को, तमाम क्षेत्र वासियों को
क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? अच्छा है प्रशांत, हम तो समय संस्कृति प्रोग्राम करवाते रहते हैं बच्चों के, क्योंकि ये भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ संस्कृति प्रोग्राम, बच्चों का बोलने का अवसर मिलता है, बच्चे की जो अंदर की मंशा होती है वो सामने आती है। तो हम स्कूल में इस बार भी सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाएंगे और जो बच्चा भाग लेगा हम उसकी पूरी सहायता करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विद्यालय के संचालक नरेंद्र पाल जी, जिनका कहना है कि शिक्षा, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में अहम भूमिका जो है वो निभाई जाती है और बच्चों के बौद्धिक विकास को लेकर भी बार बार उन्हें बताया जाता है ताकि वो किस प्रकार से नई सफलता को छुए। और दसवीं और बारहवीं की बात की जाए तो बोर्ड परीक्षा में इस बार शानदार परिणाम रहा है, बारहवीं क्लास में मार्गदर्शन की भूमिका निभाई है और दसवीं बोर्ड में पूरे समूचे क्षेत्र के अंदर 90% अंक हासिल कर समूचे इलाके का जो नाम है वो रोशन किया है। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, डीपीके अनूपगढ़।